रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उमर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल और उमर व्लॉग्स की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के नहर अपर जेलम के बिल्कुल साथ वाक़ एक खूबसूरत गांव, मेरे अपने गांव सारोकी के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे सारोकी के तारीखी हवाले से। जो सारोकी की हमें तारीख मिलती है वो तकरीबन 300 साल पुरानी है। कहा जाता है कि ये सारोकी की जो बुनियाद है एक हिंदू ख़ानदान ने रखी है, जिस ख़ानदान के सरदार की बेटी के नाम पे इस गांव का नाम सारोकी रखा गया। सारोकी में अभी भी कुछ पुरानी निशानियां, पुराने दौर के निशानात मौजूद हैं। आए तो सबसे पहले उन्हें देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। नाजरीने ग्राम, ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसे धर्मशाल कहा जाता है। ये सारोकी के बिल्कुल दरमियान बाज़ार में वाक़ है। ये पुराने दौर की कुछ निशानियों में से एक निशानी मौजूद है। कहा जाता है कि पुराने दौर जिस मज़हब के लोग यहाँ आबाद थे उनकी ये इबादतगाह है। ये अपने आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत खूबसूरत है और काफ़ी हद तक ठीक है। तो आए देखते हैं आगे। ये देखें, पुराने दौर के दरवाज़े और पुरानी दीवारें अभी भी इसमें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे नाजरीन, ये दूसरी जो हवेली मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारोकी में किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। बऊ मोहम्मद अली मिंबर के नाम से मशहूर ये हवेली भी पुराने दौर की एक निशानियों में से एक है। इस हवेली की जो बुनियाद है ये तकरीबन 1895 के करीब है। ये देखें, ये भी अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर में एक अपना अलग ही मुकाम रखती है। बहुत खूबसूरत इसमें कमरे भी पुराने दौर के और बहुत ज़्यादा इमारतें थी जो कि अब नहीं रहीं। अब ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं और एक चुबारा, ये भी पुराने दौर की निशानियों में से एक है। तो नाजरीन, आपने देख ली सारोकी में मौजूद कुछ पुराने दौर की निशानियां जो हमें पुराने दौर की याद दिलाती हैं कि कभी सारोकी इस तरह का हुआ करता था। आए देखते हैं और अब का सारोकी कैसा है और कौन सी सहूलियात सारोकी में मौजूद हैं और कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं पहले के सारोकी में और अब के सारोकी में। तो चलते हैं आगे और देखते हैं अब का साथ। हमारा गांव सरगोधा रोड गुजरात पर वाक़ है और रोड के ऊपर से ही आप सारोकी देख सकते हैं, सारोकी का आगाज़ देख सकते हैं। ये बिल्कुल सारोकी का आगाज़ है, आप देख सकते हैं इसमें खूबसूरत नहर का नज़ारा कितना प्यारा है। सारोकी को जो नहर लगती है ये पूरे पंजाब में जानी जाती है नहर अपर जेहलम। लोग नहाने इस नहर में पूरे पंजाब से आते हैं और आप देख सकते हैं तमाम तर सहूलियात सारोकी के आगाज़ में ही सहूलियात आप देख सकते हैं। मोटर बाइक्स की एजेंसीज़ और कारोबार के बेहतरीन मौके। अब हम बात करते हैं सारोकी की अहम सहूलियात की। सारोकी की अहम सहूलियात में से एक सारोकी का फील्ड ऑफिस है, जिसमें सारोकी के मुतलक अहम फ़ैसले किए जाते हैं बच्चों की पैदाइश के अंदराज के हवाले से और दीगर मामलात फील्ड ऑफिस ही संभालता है। और दूसरी सहूलत में से अहम सहूलत पोस्ट ऑफिस है, जिसमें बिलों की अदायगी और डिफरेंट पोस्ट के काम की सहूलत मौजूद है। सारोकी तलीम के हवाले से बहुत खास है, इसमें बच्चों के लिए अलहदा प्राइमरी स्कूल और ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद है। नौजवानों के लिए सरकारी सतह पर हाई स्कूल मौजूद है, जिसमें मैट्रिक तक की तलीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छे तरीके से अदा की जाती हैं। सेहत का हवाला हो और सारोकी सेहत के मामले में भी किसी चीज़ से बिल्कुल पीछे नहीं है। बुनियादी सेहत मरकज़ हॉस्पिटल भी सारोकी में मौजूद है जो कि 24 घंटे सर्विस देता है। सेहत ही के हवाले में जानवरों के लिए भी एक हॉस्पिटल कायम है, जिनके मवेशियों का कोई बीमारी हो उसका भी बिल्कुल फ्री सरकारी सतह पर इलाज किया जाता है। सेहत के हवाले में ही पानी की सहूलत बहुत अहम है, सारोकी में पानी के फिल्ट्रेशन पम्प भी मौजूद है। सारोकी की एक और ख़ास बात, सारोकी की हर गली में पीने के लिए साफ़ पानी की सहूलत मौजूद है। उसके बाद जो अहम गांव की जगह मानी जाती है कब्रिस्तान और जनाजगाह, जो कि आपके गांव की पहचान होती है, क्योंकि मुख्तलिफ अज़ला और जगहों से लोगों का जनाजा अदा करने आपके गांव में आते हैं। तो जब आपका जनाजेगाह और कब्रिस्तान खूबसूरत और साफ़ होगा ये आपके गांव की सहूलियात की अक्कासी करता है कि गांव कैसा होगा। ये बुनियादी ज़रूरत है, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बनाया गया है। सफाई के लिहाज से भी सारोकी अपना कोई सानी नहीं रखता। सारोकी की गलियाँ बिल्कुल खूबसूरत और साफ़ सुथरी गलियाँ हैं और गलियों में 7 पौधे बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। सारोकी की ये तमाम तर सहूलियात के पीछे सारोकी की सियासी और समाजी शख्सियात का अपने गांव के साथ मोहब्बत है।
जिसमें से हास नाम पुराने दौर के लोगों में से हाजी अल्लाह दिता मिंबर साहब, बऊ मोहम्मद अलाई मिंबर साहब और जनाब गुलाम रसूल शारक साहब की खास खिदमात शामिल हैं और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी शामिल हैं। बाकी सहूलियात के साथ सारोकी में हर तरह की सहूलियात मौजूद है, चाहे वो बेकरी की सूरत में हो, चाहे वो फास्ट फूड की सूरत में हो, चाहे जनरल स्टोर्स की सूरत में हो। सारोकी में मौजूद इकबाल भट साहब का जनरल स्टोर सबसे पुराना जनरल स्टोर माना जाता है, जो कि उन्होंने ख़ुद एक हिंदू से उनके वालिद साहब ने ख़रीदा था। ये दुकान बहुत पुरानी है, पाकिस्तान बनने से भी पहले इस जगह पर एक हिंदू ख़ानदान की दुकान हुआ करती थी। सारोकी के लोग दिन भर की मसरूफियात के बाद रात को जब अपने दोस्तों के साथ मिलने और गपशप लगाने आते हैं बाहर, तो ये सारे मिलाद चौक में बैठते हैं। सारोकी का मिलाद चौक गपशप लगाने और बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए खास माना जाता है। मिलाद चौक में फास्ट फूड, बेकरी और बारबेक्यू की आपको दुकानें देखने को मिल सकती हैं। और आखिर में हम देखते हैं सारोकी की नेचर ब्यूटी को, सारोकी की खूबसूरती को। सारोकी एक बहुत ही खूबसूरत और जहरेज ज़मीन रखता है। सारोकी में गंदम, चावल और मुख्तलिफ फसलों की काश्त की जाती है और ये बहुत जहरेज ज़मीन है। और देखते हैं सारोकी में शाम के वक्त सूरज डूबने का खूबसूरत नज़ारा। सारोकी में मगरिब की जानब सूरज डूबता ये नज़ारा बहुत कमाल का और औसम नज़ारा है। आप देख सकते हैं सरसब्ज फसलों के दरमियान ये नज़ारा, और परिंदे शाम को मगरब की तरफ जाते हुए और सूरज डूबने का ये नज़ारा कमाल का नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये है विलेज लाइफ। सारोकी के साफ पानी के ट्यूबवेल्स की क्या बात है, पानी बिल्कुल साफ और मीठा, और सारोकी में फसलों को सिराब करता पानी, इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। और सारोकी के खूबसूरत मौजूद सारोकी में बागात बहुत ख़ास हैं। लोग बहुत शौक से बाग लगाना पसंद करते हैं, जिसमें पपीता, अमरूद और संतरों के बाग शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने अपने सारोकी के बारे में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, और कुछ पुराने निशानात, कुछ पुराने दौर के सारोकी की निशानियां और कुछ आज के दौर के सारोकी की सहूलियात आपके साथ शेयर की हैं। अगर आज की मेरी छोटी सी काविश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी सी खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें डिटेल सारोकी की आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, जल्द अज़ जल्द दुआ करें। आप इसे वीडियो को प्यार करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।